नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स। तो 2 दिन पहले मैं लाजपत राय मार्केट गया था जो कि चांदनी चौक में है, और वहाँ से मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स लाया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस पॉलीथीन बैग में और क्या क्या मैं लेके आया हूँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे है एक ग्लू स्टिक का एक पैकेट जो कि लिखा है मेड इन ताइवान, ऐसा ही कहते हैं, और मेरे को यहाँ पे कहीं भी MRP दिखी नहीं। तो ये मेरे को मिल गई थी 100 ग्लू स्टिक्स, ये मुझे पड़ गई थी करीबन 340 रुपये की। और एक अपडेट आपको देना था कि अब आपको वीडियोज़ रेगुलरली देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल पर, तो आपको हफ्ते में एक ना एक वीडियो तो देखने को मिल ही जाएगी। तो देखते हैं अभी और क्या मिलता है हमें देखने को। तो यहाँ पे मेरे पास एक अडैप्टर है जो कि 5 वोल्ट का अडैप्टर है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का अडैप्टर है, और ये मैंने आर्डिनो को पावर देने के लिए और साथ साथ में जो 4 वोल्ट की बैटरी होती है उसको रिचार्ज करने के लिए ख़रीदा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट 1 एम्प। तो ये जो अडैप्टर है ये मेरे को पड़ गया था करीबन 80 रुपये का। तो मैं ज़रा कैमरे को स्टेबल कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे व्यू। तो देखते हैं और क्या मिलता है हमें देखने को। तो यहाँ पे मेरे पास है जंपर वायर जो कि है मेल टू मेल जंपर वायर। तो ये एक जंपर वायर है, मेरे को पड़ गई थी 40 रुपये की, ये 100 जंपर वायर होती है इसके अंदर। तो मैं वहाँ से मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल सारी तरह की जंपर वायर लाया हूँ जो कि मुझे 40 रुपये की एक पड़ गई थी, तो टोटल 120 रुपये की मेरे को पड़ गई थी। तो यहाँ पे मेरे पास है एक रोबोटिक चेसी, तो ये मेटल चेसी है और ये मेरे को पड़ गया था करीबन 50 रुपये का। तो ये मैंने मोटर्स लगाने के लिए और साथ में रोबोटिक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने के लिए यूज़ किया है, मैंने इसको लिया ख़रीदा है। तो यहाँ पे मेरे पास है एलिगेटर क्लिप्स, तो ये जो एलिगेटर क्लिप्स है मेरे को, ये जो पेयर था मेरे को पड़ गया था 3 रुपये का, और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कलर दूसरा दोनों को सेम कलर ले आया। यहाँ पे मेरे पास है एक स्टैंडर्ड USB केबल जो कि पड़ गई थी मुझे करीबन 50 रुपये की। तो ये वही USB केबल है जो हमारे चार्जर्स के साथ मिलती है हमें, तो ये लाया हूँ मैं नोड MCU को पावर देने के लिए और उसको प्रोग्राम करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है इन्फ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर मॉड्यूल, तो ये पूरा मॉड्यूल मेरे को पड़ गया था 30 रुपये का, और इससे आपको कमाल के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल पर। तो इससे आप कई प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एक प्रोजेक्ट है लाइन फॉलोइंग रोबोट और दूसरा हम बनाएंगे बाई डायरेक्शनल विजिट काउंटर। तो उसमें क्या होगा, हम 2 IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा देंगे और जब भी हमारे कमरे में या रूम में कोई भी आएगा तो वो एक पर्सन काउंट कर लेगा, यानी कि वो पर्सन को काउंट करता है कितने रूम में कितने पर्सन है। तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा है एक 5 वोल्ट का अडैप्टर, तो यहाँ पे मेरे पास है एक बिल, तो यहाँ पे मेरे पास है LEDs जो कि मुझे पड़ गई थी 80 रुपये की LED। तो ये डील मेरे को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 रुपये की आपको 1 LED देंगे, और मेरे को पूरा भरोसा नहीं है कि इसमें 80 LED है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक लिथियम सेल जिसका मॉडल नंबर है CR2032 जो कि मुझे पड़ गया था करीबन 5 रुपये का। तो ये मैंने रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल के लिए लिया है और LED को पावर करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक 12 वोल्ट की 1 एम्प की बैटरी जिससे हम पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज़ करने के लिए लिया है, ये इसको हम अपने रोबोट्स को पावर इससे ही देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा है एक IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यहाँ पे मेरे पास है एक स्टैंडर्ड PCB, तो वहाँ पे आपको कई 0 PCB या वेरोबोट मिलेंगे जो कि 40 रुपये के एक पीस मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा है जंपर वायर्स। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले और क्या आपको लाजपत राय मार्केट से ही ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं,
और क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक हॉबीस्ट हो या फिर आपको दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने में, तो यहाँ पर मेरे पास है सिंगल चैनल का रिले जो कि 5 वोल्ट का है, 70 रुपये का पड़ गया था मुझे करीबन। तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा है एक 12 वोल्ट 1 एम की बैटरी, तो ये बहुत पोर्टेबल बैटरी है और हम इसको अपने बोर्ड्स को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक LCD जो कि है 16:2 रेशियो की LCD और ये मेरे को 90 रुपीज़ की पड़ गई थी शायद। तो इसमें हम कैरेक्टर डिस्प्ले करवा सकते हैं, आने वाली वीडियोस में हम इसको इंटरफेस करेंगे Arduino के साथ और आपको कमाल के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 28 पिन का IC बेस जो कि मैंने लिया है 8 Mega 328P के लिए, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए और एज अ बेस यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है 8 Mega 328P माइक्रो कंट्रोलर जो कि मुझे एक पड़ गया था 120 रुपये का। तो यही Arduino में चिप लगी होती है हमारी, यही माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है और इससे हम खुद का Arduino Uno बनाएंगे आने वाली वीडियोस में, आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मेरे पास है हेडर्स जिनको आप बग कनेक्टर्स भी कहते हो, तो ये मुझे पड़ गया था 5 रुपये एक, तो मैं 10-12 हेडर्स लाया हूँ ऐसे शायद। तो यहाँ पे मेरे पास है मेल टू फीमेल और मेल टू मेल हेडर्स, तो देखते हैं क्या कुछ है मेरे पास और। तो यहाँ पे मेरे पास है एक 20 पिन का IC बेस जो कि मेरे को एक पड़ गया था 5 रुपये का, और यहाँ पे मेरे पास दोबारा है एक 8 Mega 328। तो इसमें हम बूटलोड करना भी सीखेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, 328P माइक्रो कंट्रोलर का, क्योंकि बूटलोड नहीं होती है पहले से और हमें इसका बूटलोडर बंद करना पड़ेगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मेरे पास है एक एक्सेलेरोमीटर जो कि शायद MPU है या ADXL है, मेरे को कन्फर्म नहीं है। ये 3-axis का एक्सेलेरोमीटर है, XYZ axis, और ये मेरे को पड़ गया था 350 रुपये का। तो इससे हम बनाएंगे जेस्टर कंट्रोल कार। तो यहाँ पे मेरे पास है एक Arduino Uno, तो ये तो मुझे ख़रीदना ही था क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इस पे ही बेस होते हैं। तो ये मेरे को पड़ गया था वहाँ पे करीबन 350 रुपये का। यहाँ पे मेरे पास है एक L293D IC जो कि मुझे मिली है L293D मॉड्यूल के साथ, ये मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है L293D मोटर ड्राइवर, तो ये मुझे पड़ गए थे 90 रुपये का एक, और इसके साथ मुझे IC मिली है। तो आप नॉच जिस तरफ है उस हिसाब से आप IC को माउंट कर सकते हो इस बेस पे। तो देखते हैं और क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं ख़रीद के लाया था ये 10K के प्रीसेट है 10,000 ओम के, तो ये 3 रुपये का एक पड़ गया था। ये LCD की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए किया है मैंने, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है एक PIR सेंसर जो कि मुझे पड़ गया था करीबन 90 रुपये का। तो यहाँ पे मेरे पास है दोबारा कुछ बग कनेक्टर्स और LCD फॉर डिस्प्लेइंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ सिरामिक कैपेसिटर, तो ये उन्होंने मुझे फ्री दे दिए थे क्योंकि मैंने उनसे इतना ज़्यादा सामान खरीदा था, तो मैंने उनसे मांगे कि मेरे को ऐसे स्पेयर चाहिए, वो मुझे पूरी किट दे रहे थे तो उन्होंने फ्री में दे दिए मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास है कैस्टर व्हील जो कि मुझे पड़ गया था 30 रुपये का और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे मेरे पास है एक DC जैक जो कि है मेल टू फीमेल GC जैक जो कि पड़ गया था 2 रुपये का। तो ये पावर सप्लाई देने के लिए मैंने किया है कि हम डायरेक्ट अडेप्टर से पावर दे दें। तो बस इतना ही लाया था सामान मैं लाजपत राय मार्केट से जो कि चांदनी चौक में है। और अगर आप दिल्ली या NCR के पास रहते हो, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप दिल्ली या NCR के पास रहते हो तो आप वहीं से खरीद सकते हो क्योंकि उससे सस्ती मार्केट नहीं है कहीं भी। और अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप 2-3 महीने वेट कर सकते हो तो इससे भी सस्ते रेट पे अलीबाबा या फिर अली एक्सप्रेस में मिलता है सामान सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट वहाँ पे आपको ये क्या करना पड़ता है कि आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता है। और तो यही कहूँगा मैं कि अगर आप वेट कर सकते हो तो आप उससे ही खरीदो नेट से, बाकी आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हो। तो ये जो सारा सामान था मुझे पड़ गया था 2,440 रुपये का। तो अगर आप अली एक्सप्रेस से अलीबाबा से खरीदते तो आपको 2,800 का वो पड़ जाता वहाँ पर भी। तो आप देख सकते हो 2,440 रुपये का सारा सामान मिल गया मुझे।